नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। 31 जुलाई को जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है और इस बैठक के बारे में ये कहा जा रहा है, ये कयास लगाए जा रहे हैं या फिर जेडीयू के अंदर का जो घटनाक्रम रहा है उससे ये संकेत भी हैं, इस बैठक से कुछ बड़ा निकल कर सामने आने वाला है। बहुत भूमिका नहीं बांधते हुए सीधे हम बात करेंगे। जेडीयू के प्रवक्ता निखिल मंडल जी हमारे साथ हैं और उन्हीं के जरिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर अगर कुछ बड़ा निकलकर सामने आने के संकेत हैं, क्या बड़ा निकलकर सामने आने वाला है। कल एक अहम बैठक पार्टी दफ्तर में यहाँ कर्पूरी सभागार में होती है जिसमें पार्टी के बड़े नेता, पार्टी के पदाधिकारी शामिल होते हैं। देर शाम ये खबर आ जाती है कि 31 जुलाई को जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है। कहा यह जा रहा है कि जेडीयू को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल सकता है। सीधा सवाल आपसे, क्या ये होने जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो ये कल ये तय नहीं हुआ कि 31 को बैठक होने जा रही है राष्ट्रीय कार्यकारिणी। ये पहले से पूर्व निर्धारित था कि 31 जुलाई को ये मीटिंग होने जा रही है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में तमाम राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य बैठेंगे और पार्टी से जुड़े जितने फैसले होंगे जिससे पार्टी में आगे और बदलाव ना कहें उसे कहें कि और जो मजबूती आएगी, किस प्रकार से राष्ट्रीय स्तर पर हम पार्टी को मजबूत करें, उस पर बातचीत होगी। बाकी जितने ये कयास के बाजार हैं वो तो ऑलरेडी कल बंद हो चुके हैं। अब इसमें क्या होना है, बाकी जो होगा वो टॉप लीडर्स विल डिसाइड, बैठेंगे और तब उस समय बातें होगी। अभी से 31 को क्या होगा ये अभी से नहीं कहा जा सकता है। सांगठनिक स्तर पर बड़े फैसले लिए जाने हैं क्या इस बैठक में? देखिए, बहुत से खबर ये भी है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस बैठक में जाहिर तौर पर हिस्सा लेंगे। देखिए, टेक्निकली सीधी सी बात है कि जब भी कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है तो एक साल के अंतराल में आपको राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक करनी होती है। कोरोना काल में ये संभव नहीं हो पाया था, 6-7 महीने बीत चुके हैं, तो निश्चित रूप से तिथि तय की गई है। अब उसकी क्या क्या उसमें योजना है, किस किस बातों पे चर्चा होगी, ये तो 31 को ही पता चलेगा। फिलहाल ये तय है कि एक एजेंडा जो है कि राष्ट्रीय स्तर पे भी, बिहार सहित राष्ट्रीय स्तर पे भी हम पार्टी को किस तरह मजबूत करें, उसी पे चर्चा होनी जा रही है। क्या इस बात पर भी चर्चा होनी है कि जनसंख्या नियंत्रण या फिर दूसरे जो एजेंडे हैं, जो दूसरे मुद्दे हैं जिसमें बीजेपी का अलग स्टैंड है, आपका अलग स्टैंड है, इसको लेकर भी कोई रणनीति तैयार होनी है? क्योंकि बीजेपी के नेता लगातार जनसंख्या नियंत्रण कानून की वकालत करते हैं और क्योंकि जाहिर है बीजेपी जेडीयू की सरकार है, यहाँ जेडीयू के नेता, जेडीयू इस पक्ष में नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद ही कहा है कि नहीं, सिर्फ कानून बनाने देने से ये नहीं होने वाला। सबसे पहले एक स्पष्ट कर दूं, 31 जुलाई को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक तय हुई है। अभी फिलहाल कोई एजेंडा तय नहीं हुआ है कि किस किस विषय पर बातचीत होगी। जहां तक जो बातें आप कह रहे हैं कि बीजेपी और जेडीयू से मतलब अलग अलग राय की बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम अलग अलग दल हैं तो अपनी अपनी राय है। और जहाँ तक जनसंख्या नियंत्रण पर भी है, मुख्यमंत्री जी ने भी स्पष्ट रूप से बातों को रखा है कि जागरूकता के तहत हम इस पर आगे बढ़ेंगे। इसमें कहीं भी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। सीधी बात समझने वाली है कि अगर दो दल है तो दो तरह के विचारधारा को लेकर चल रहा है, सब कुछ अगर एक होता तो एक ही दल होता। राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर ये सवाल इसलिए है और सिर्फ कयास नहीं है कि उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं। थोड़ा अगर मैं गलत हूँ तो आप हमको करेक्ट कर देंगे। जेडीयू के संविधान का आर्टिकल 28 ये कहता है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है वही जेडीयू के संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष होगा। अब उपेंद्र कुशवाहा को जेडीयू के संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया, आरसीपी सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तीन सूरत मेरे हिसाब से बनती है कि या तो उपेंद्र कुशवाहा को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए, या फिर आरसीपी सिंह को जेडीयू का संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष भी बनाया जाए, या फिर जेडीयू अपने संविधान में संशोधन करे। तीनों में से क्या होने जा रहा है या फिर कोई चौथी स्थिति भी है? देखिए, ये जो आपका सवाल है ये हम प्रवक्ता गण के अधिकार क्षेत्र से बाहर का सवाल है। क्या होने जा रहा है वो 31 को डिसाइड होगा, तब हम प्रवक्ता गण बताएंगे, पहली बात। दूसरी बात कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय आरसीपी सिंह जी ने स्पष्ट रूप से कल बातों को रख दिया है कि अगर पार्टी तय करेगी तो वो निश्चित रूप से किसी मौजूदा जितने नेतागण हैं उसमें जो भी उनको सबसे पार्टी को विकल्प के तौर पे बेहतर लगेगा उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष की वो कुर्सी दे देंगे। इसमें कहाँ कुछ ये है, लेकिन अभी पार्टी ने कोई ऐसा फैसला नहीं किया। एक आखिरी सवाल है सर, चिराग पासवान ने आपकी पार्टी के एक नेता को अपने कुनबे में शामिल कराया है, अपने गुट में शामिल कराया है। नवल शर्मा आपकी पार्टी के प्रवक्ता थे और कई दूसरे नेताओं को भी शामिल कराया है, कार्यकर्ताओं को शामिल कराया है। इससे चिराग गुट जो है काफ़ी गदगद है और उनका बयान है कि अब एक एक कर जेडीयू के नेता हमारे गुट में शामिल होंगे। जहाँ तक नवल शर्मा जी की बात है, मुझे लगता है 4 साल पहले ही वो प्रवक्ता पद से हट चुके हैं और पार्टी में भी नहीं है, पहली बात। बाकी
किसी भी व्यक्ति का अपना सोच होता है कि किस नीति, किस नियत के तहत, किस नेता के तहत वो राजनीति करना चाहते हैं। नवल शर्मा जी की मेरे मुझसे व्यक्तिगत संबंध भी रहे हैं, तो आपके तहत मैं उन्हें बधाई भी देता हूँ। लेकिन मैं ज़रूर चाहूँगा ये कहना कि तमाम वैसे नेता जो जदयू से निकल के अगर कहीं जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपकी सोच में अगर बदलाव आया है तो जनता ये सवाल पूछेगी ही कि उस समय आप सही थे कि अब आप सही। चलिए, निखिल मंडल जी थे और कुछ सवाल थे जिसके जवाब तलाशने की हमने कोशिश की, हमारी बातचीत हुई और बहुत साफगोई से अपनी बात रखते हैं। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। कैमरामैन विकास के साथ अभिषेक मिश्रा, DTV भारत, पटना।